नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और अब आप देखने जाएंगे ट्रैक्टरों का महा मुकाबला। हमारे ई समाचार की वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और ये ट्रैक्टरों का महा मुकाबला जो है एलाहाबाद खंड के गांव धोलपालिया में आयोजन किया गया था यहां पर। और यहां पर जो है धोलपालिया गांव जो है हरियाणा का छोर पर, राजस्थान के बॉर्डर पर बसा हुआ हरियाणा के अंतिम छोर पर ये गांव है। और यहां पर आज ट्रैक्टरों का जो मुकाबला करवाया गया है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और मुकाबला बहुत ही रोचक रहने वाला है, आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। दर्शकों को सावधान किया गया है कि मुकाबला चलते समय कोई भी ट्रैक्टर के सामने न आए और कोई बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैदान पूरी तरह से सज चुका है और दोनों ट्रैक्टर जो है आमने सामने है। एक तरफ न्यू हॉलैंड है और दूसरी तरफ फार्म ट्रैक है। और अभी आप थोड़ी ही देर में देखोगे कि ये मुकाबला जो है कितना रोचक होने वाला है और देखेंगे किसमें है कितना दम। आज धोलपालिया गांव में है और जो हरियाणा का राजस्थान के छोर पर अंतिम गांव है धोलपालिया, जहां पर हजारों की संख्या में दर्शक और दूर दूर से दराज से आए हुए किसान साथी और नौजवान लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। और फार्म न्यू हॉलैंड ने फार्म ट्रैक को पीछे घसीट दिया है और यहाँ पर फार्म ट्रैक जो है पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में। और ये देखिए, ये देखिए, ले गया खींच के। और इस मुकाबले में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो है बाजी मार गया। ट्रैक्टरों की ये कहीं की दिशा बदलेंगे, दिशा बदलने के बाद दोबारा मुकाबला ये शुरू होगा।
तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दर्शकों में भी जोश है इस पूरे मुकाबले को देखने के लिए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ई समाचार पर, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अभी जो है दोनों ट्रैक्टरों की दिशा बदल दी गई है, एक तरफ फार्म ट्रैक 60-55 और दूसरी तरफ न्यू हॉलैंड 36-30। ये काला धुआं, नीले आसमान में ट्रैक्टरों का जोर देखिए, वो जोर ये देखिए, और फिर से न्यू हॉलैंड जो है ताकतवर दिखाई दे रहा है, और फिर से फार्म ट्रैक को घसीट लिया है। यहाँ पर जो है ड्राइवर काफ़ी कोशिश कर रहा है लेकिन डिफेंस नहीं कर पा रहा है न्यू हॉलैंड को फार्म ट्रैक। और इस बार भी फिर से फार्म ट्रैक जो है पिछड़ गया और न्यू हॉलैंड आगे निकल गया। मुकाबला काफ़ी रोचक रहा, फार्म ट्रैक फिर से पिछड़ गया। प्रतियोगिता के आयोजक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये प्रतियोगिता आपने करवाई थी, इसमें कितने लोगों ने भाग लिया और कहां कहां से लोग आए थे? कम से कम ये 8-10 ट्रैक्टरों ने तो भाग लिया, और 10-12 गांव के जमींदार यहां भाग लेने के लिए आए, भाईचारा बना रहे। इसी हिसाब से मैंने ये आयोजन करवाया, अभी गाँवों का आपस में भाईचारा बने रहे, कोई वाद विरोध वाला काम नहीं था। कमेटी बना के उसके हिसाब से मैंने कंपटीशन करवाया, अभी आपस में गांव का भाईचारा बना रहे, यही मकसद था। इसके बाद भी कोई आयोजन और होगा? इससे बाद जल्द होगा जी, लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अंदर दोबारा और होगा जी। इसी जगह? हाँ, इसी जगह होगा जी। ठीक है जी, अगर कोई मेरा इसमें हिस्सा लेना चाहे, आगे जो कंपटीशन हो तो उसकी जानकारी लेना चाहे तो कैसे संपर्क कैसे करें? मेरी रेलवे स्टेशन पर जसनाथ ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम से वर्कशॉप है, ट्रैक्टर की वर्कशॉप है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-132-99-514, मेरे से कांटेक्ट कर ले जब मर्जी।
ई समाचार का पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आज यहाँ पे विनर कौन रहा है? विनर सोनालिका 60 रहे जी, एमएम 39 के साथ में। कहाँ से था ये? सेखू खेड़े से आ जाए। सेखू खेड़े, हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद।